नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक सबसे बड़ा अलर्ट और सबसे बड़ी न्यूज लेके आपके सामने आया हूं। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और वो भी खतरनाक स्टेज पे, आपके हालात देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसमें दिल्ली के पोल्यूशन पे 10 तारीख को सुनवाई है, इसी 10 नवंबर को सुनवाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं जैसे मानो इमरजेंसी, और ये हालात हर साल होते हैं। इस पे अब हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसीलिए हम इस FPIL को हम एक्सेप्ट करते हैं। ये जो यहाँ पेटिशन लगाई गई है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस पर सुनवाई होगी। इसके साथ साथ दिल्ली में दो तीन चीजें नई जो डेवलप हुई हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहली चीज, दिल्ली में जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी दफ्तर हैं, उन सभी में 50% लोगों की अब कैपेसिटी को अलाउ किया गया है। अब यह 50% लोग ही उन ऑफिसों में आएंगे। उन सभी को, जो 50% लोग बसते हैं, उन सभी को वर्क फ्रॉम होम का काम कर दिया गया है। उनके साथ ये चीजें अप्लाई कर दी गई हैं। कारण दिल्ली का पोल्यूशन। अब वो अपने घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे और दिल्ली में जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उसमें अब सिर्फ 50% लोग ही अलाउ किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और नई डेवलप हुई है कि दिल्ली में, जैसा हमने कल भी आपको अलर्ट बताया था कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को और साथ साथ दिल्ली के कॉलेजों को भी छुट्टी के लिए बोला गया है, क्योंकि हालात बहुत बुरे और बहुत गंदे स्तर तक पहुंच गए हैं। वायु प्रदूषण खतरे के निशान को टच कर चुका है, इमरजेंसी के हालात हैं। और वही बात सच हुई। आज करीब 12 बजे के आसपास दिल्ली के सीएम ने यह अनाउंस किया कि दिल्ली के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यानी दिल्ली में 4 नवंबर को यह आदेश आता है और 5 नवंबर से यह अप्लाई हो जाता है। यानी 5 नवंबर से लेके अगले आदेश तक दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल, यानी प्लेवे से 5th क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूलें हो। यह डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि दिल्ली का जो वायु स्तर है वो खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुका है और हालात आपातकालीन जैसे बन चुके हैं। इसके साथ साथ डीजल वाहन को भी अब दिल्ली में प्रतिबंध कर दिया गया है। इसमें जो BS6 मॉडल हैं, यानी जो सबसे एडवांस मॉडल हैं डीजल के गाड़ियों में, वो ही चलेंगे। अगर आपका 5 है, 4 है, 3 है, तो ये अब बैन हो चुके हैं। अगर आप इनको लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी का चलान होगा और आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। आप देखिए कि आपकी गाड़ी कौन सी कैटेगरी की है। अगर BS6 है तो आप डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी को आप दिल्ली में चला सकते हैं, अन्यथा यह गाड़ियां बैन कर दी गई हैं दिल्ली में अगले आदेश तक। तो 3-4 नई चीजें जो आई हैं हमने आपके साथ शेयर किया। पहला कि दिल्ली के सभी प्राइवेट या सरकारी स्कूल प्लेवे टू 5th तक, यानी प्राइमरी स्कूल तक, सारे स्कूल बंद कर दिए गए अगले आदेश तक। दूसरा, दिल्ली में सरकारी जितने भी ऑफिस हैं उन सभी में 50% कैपेसिटी कर दी गई है, 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम का काम दिया गया है। तीसरा, दिल्ली में डीजल वाहन जो BS6 मॉडल से नीचे हैं, BS4 हो, 5 हो, 3 हो, उन सभी को दिल्ली में बैन कर दिया गया है। और जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, नेशनल हाईवे हो या ऐसी कोई भी जगह हो, मेट्रो का हो, नेशनल हाईवे का हो, एलिवेटेड रोड का हो, सड़क रिपेयरिंग का हो, इन सभी को बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक। अब यह भी बंद रहेंगे, यानी कोई भी अब दिल्ली में ऐसा भी निर्माण कार्य नहीं चलेगा। तो अब आपके सामने हमने सारी चीज रखी है और आप खुद देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी गाड़ी किस कैटेगरी में आती है और आपको इससे निजात मिली है कि नहीं मिली है। क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और लगातार लोगों का जो मरीज के रूप में अपने आप को आना, लोग लगातार डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आंखों में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांसी, जुखाम, कोल्ड, फीवर, यह लगातार बढ़ रहा है पिछले करीब 10 दिन से और डॉक्टरों की दुकानों पर भीड़ होने लगी है। एन भारत टीवी दिल्ली।